अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमेर और आप देख रहे हैं क्रिएटिव उमेर। आज मैं आपको अपने एक चेयर का रिव्यू दूंगा जो कि मैंने यहाँ कराची की मार्केट से ख़रीदी थी। ये मुझे कितने की पड़ी, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, हम फिर इसमें बात करते हैं। ये जो चेयर का डिज़ाइन है और जो चेयर की क्वालिटी है, ये एग्जीक्यूटिव चेयर कहलाती है। इसमें जो फॉर्म के जो हैंडल्स होते हैं जहाँ हाथ रखते हैं आर्म रेस्ट, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें भी फॉर्म लगा हुआ है, इसमें भी फॉर्म लगा हुआ है। तो इसमें जो फॉर्म इस्तेमाल किया गया है वो मल्टी फॉर्म का तो उन्होंने कहा था, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मल्टी फॉर्म इस्तेमाल जो है किया था। अभी की तारीख में मुझे तकरीबन कोई इस चेयर के साथ 1.5 साल हो चुके हैं। तो इसकी बैक भी जो है रेगजीन की बनाई गई है, ठीक है, वरना वो सीधा सीधा एक सफ़ेद कपड़ा लगा देते हैं तो वो लो क्वालिटी होती है। तो ये हैं इसके पहिए जो कि टायर फ्रेम कहलाता है। ये हमेशा जो है आप प्लास्टिक वाला ही लें क्योंकि मेटल वाला टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और ये है इसकी हाई क्वालिटी हाइड्रोलिक, इसकी बात पे ये ऊपर नीचे होता है, जो कि ये भी बहुत हाई क्वालिटी है। उसके अलावा जो ये पूरा फ्रेम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब इम्पोर्टेड माल है, लोकल नहीं है। आर्म रेस्ट हैं ये भी लोकल नहीं है। तो और जो ये चीज़ है ये तो यहाँ मिल जाती है और इसको यहीं पे बनाया जाता है। तो अगर आपको आपके पास पहले से कोई चेयर है उसको आपने बनाना है रिवॉल्विंग चेयर, जो कि ये घूम सकती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसको कहते हैं रिवॉल्विंग चेयर। इसी के साथ ये जो चीज़ है ये रेगजीन कहलाती है, क्योंकि लग रही है ऐसे कि चमड़ा है या लेदर है, लेकिन ये रेगजीन कहलाती है। बिल्कुल वैसा ही फील होता है जब आप टच करते हैं, लेकिन इसकी जो मटेरियल है वो रेगजीन कहलाता है। इसका जो कलर है, इसमें दूसरे कलर्स भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये कलर बेहतर होते हुए इसमें अगर धब्बा वब्बा भी पड़ जाए, निशान भी लग जाए, तो इतना दिखता नहीं है। अगर आप यहाँ भी देखें तो निशान वगैरह लग गए, लेकिन इतना फील नहीं हो रहा। तो ये कलर सबसे बेहतर होता है। तो इसको जो है ऑफिस वगैरह में जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर जो बंदा होता है ना, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो वो ये चेयर इस्तेमाल करता है। इस चेयर की खसूसियात ये हैं कि जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको नहीं मिलेगा किसी नॉर्मल चेयर में। ये पैटर्न जो नमक पारा कहलाता है, और काफ़ी मुझे तो 1.5 साल से काफ़ी बेहतर लगा, अभी तक कोई परेशानी नहीं आई है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मुझे ये जो है कराची में एक सेलर हैं, मुझे भी वो ओलेक्स से ही मिले थे, तो मैंने ये डायरेक्ट जो है उनसे बनवाई थी, ठीक है, ऑर्डर पे। तो मुझे ये तकरीबन 8,000 से 8,500 की पड़ी थी डिलीवरी के साथ। तो ये 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर अब अभी रابطہ करते हैं उनसे तो फिर आप डायरेक्टली भी उनसे रابطہ करके पूछ सकते हैं कि अभी क्या कीमत चल रही है, लेकिन मैं ये अपनी बता रहा हूँ कि मुझे कितने की पड़ी थी। क्योंकि अगर आप ये दुकान से भी जाते हैं लेने तो वो भी आपको ये 12,000 से कम की नहीं बताएंगे। तो ये चेयर आपको 12,000 से कम की कहीं नहीं मिलेगी शॉप से। डायरेक्ट आप कारखाने से ख़रीदें तो ये चेयर आपको 8,000, 9,000, 10,000 के अंदर अंदर मिल जाती है, और अच्छी क्वालिटी की होती है, वारंटी भी देते हैं। तो जिनसे मैंने ली थी तो उनका जो नंबर है वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरा कोई रेफरेंस नहीं है क्योंकि मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस एग्जीक्यूटिव चेयर इन पाकिस्तान के बारे से, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।